पंचकुला के सेक्टर 3 हरियाणा रोजगार कौशल विभाग कार्यालय के बाहर आईटीआई अनुदेशक विज्ञापन संख्या 12/2019 के उम्मीदवारों द्वारा ज्वाइनिंग में देरी व जल्द ज्वाइनिंग की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि बचे हुए 2,904 उम्मीदवार अभी तक अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं और आईटीआई भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। सभी उम्मीदवारों द्वारा पंचकुला के सेक्टर 3 से पंचकुला सेक्टर 6 तक रोष मार्च किया गया और आईटीआई उम्मीदवार नवीन ने बताया कि 2019 में आईटीआई अनुदेशक की भर्ती थी और उसकी ज्वाइनिंग को लेकर सभी उम्मीदवार मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल से अपनी ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं, करीब 700-800 उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते 2,409 उम्मीदवार आज भी अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन से भी हम मांग करते हैं कि जल्द ही इस मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए। ज्वाइनिंग ना होने के चलते कई उम्मीदवार मानसिक रूप से परेशान भी हैं। मामला जी, आईटीआई अनुदेशक की भर्ती थी 2019/12/2019, उसकी ज्वाइनिंग की रिगार्डिंग लेकर हमारी सभी कैंडिडेटों की मांग है, क्योंकि ये पिछले 4 साल से भर्ती चली हुई है और ज्वाइनिंग हमारी करीबन 800-900 कैंडिडेट की हुई है। बाकी जो हमारे कैंडिडेट बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द मांग की थी हमने डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करवाए। तो कुछ टेक्निकल रीजन भी है, जैसे कोर्ट केस बता रहे हैं, जैसे थोरी पे है, लेकिन बाकी सीटीआई का एक मैटर है, उस पर कोई भी कोर्ट केस नहीं है प्रैक्टिकल पे। उनके रिगार्डिंग हम सर से मिले थे तो उन्होंने बोला है कि कुछ टाइम लगेगा और जल्द से जल्द इनकी ज्वाइनिंग भी करवाएंगे सीटीआई वालों के। बाकी हमने कहा है कि जो थोरी वाले हैं उनका एक 26 तारीख की हेयरिंग है, जो जिस पे हमारा डीजीटी का रिलैक्सेशन लेटर आया हुआ है वो रिप्लाई फाइल करना है और उसकी स्टे भी वैकेंट हो जाएगी। और एक हमारा 3 मई का केस है जिसमें एक रिस्पॉन्स सीट का केस है जो एचएससी को देनी है, उसके रिगार्डिंग भी हम एचएससी से मांग करेंगे कि वो उसका रिस्पॉन्स सीट देके जल्द से जल्द उस केस की भी स्टे वैकेंट करवाए। आज पंचकुला में आए हैं तो क्या रहा यहाँ पे बताएंगे जरा, कैसा रहा? बस काफ़ी टाइम हो गया, देखो ज्वाइनिंग तो हमें मिल नहीं रही, ज्वाइनिंग की मांग तो कर रहे हैं लेकिन एक आश्वासन मिलता हर बार, वो अब भी मिला है। देखो कब तक ये आश्वासन चलता, हम तो यही देख रहे हैं। अभी काफ़ी बंदे मेंटली भी परेशान हैं, उसके लिए भी हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या रहेगा? वो तो सर आगे के बारे में हम जो भी हमारी टीम डिसीजन लेगी वो आगे हम प्लान करेंगे। आपको बता दें कि पंचकुला के सेक्टर 3 हरियाणा रोजगार कौशल विभाग कार्यालय के बाहर आईटीआई अनुदेशक विज्ञापन संख्या 12/2019 के उम्मीदवारों द्वारा ज्वाइनिंग में देरी व जल्द ज्वाइनिंग की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग की है कि बचे हुए 2,904 उम्मीदवार अभी तक अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं और आईटीआई भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।